और यहाँ देखो भाई साहब, जितना आप लोग स्टैचू देख रहे हो ना, ये सब मतलब मूवमेंट करेगा। ये दर्शा रहा है इंद्र के प्रहार से मूर्छित होकर गिरते हुए बाल हनुमान। और ये हो गया फाइनल अपना डेस्टिनेशन इस झांकी का। सो हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं फिर से नाइट को ब्लॉग ये शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज आज है 18 सितंबर और कल होने वाला है भाई साहब 19 सितंबर। और आप सभी को पता है कि कल यानी कि 19 सितंबर को है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी के हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि देखो ये ब्लॉग में जो शूट कर रहा हूँ ना, हो सकता है मैं कल ही डालूंगा, राइट। और आज मैं निकला हूँ एक और नए गणेश झांकी का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने के लिए। कुल मिला के मैं जाऊँगा गुड़ियाड़ी। मालूम ये चला है कि वहाँ का भी जो झांकी बनाया गया ना, लगभग कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो सोचा कि चलते हैं आज, देखते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे भी है, कल तो पूजा शुरू हो ही जाएगा। तो आज का माहौल कैसा है नहीं है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हाँ जी गाइस, तो अपन अभी जो रूट पकड़े हैं, सीधे निकलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ और वहाँ से मैं गुड़ियाड़ी के लिए निकलूँगा। वैसे सामने मेरे ख्याल से धुमाल भी बज रहा है। चलिए भाई साहब, अपन पहुंचने वाले हैं गुड़ियाड़ी में। बाय द वे, नाइट का सीन आप लोग कैसा लगता है यार, कमेंट करके बताओ मुझे भी, तब तो मुझे भी आइडिया चलेगा ना। रात का ब्लॉग तो वैसे बहुत कम ही बनाता हूं, बट जब भी बनाता हूं आप लोग अपना इच्छा जो है स्वेच्छा जाहिर ज़रूर करना। नाइट का सीन कैसा लगा आप लोगों को, चाहे वो मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, चाहे रायपुर सिटी को देखते हुए, तभी तो मुझे मालूम चलेगा ना कि आप लोग का इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है। तो फाइनली अपन पहुँच चुके हैं गुड़ियाड़ी, पड़ाव बोलते हैं इसे। और आज भाई साहब चारों तरफ लाइटिंग वाइटिंग पूरा सज धज गया है। तो पहले तो अपन एक राउंड ऐसे ही मार देते हैं गोल गोल घूम के, ताकि आप लोगों को बाहर से जो भी सीन है ना वो दिख जाएगा। ये मेरे ख्याल से पीछे वाला हिस्सा है इस पंडाल का, इसका एंट्री सामने तरफ है, अपन सामने तरफ ही आप लोगों को ले कर चलेंगे। एंड ये देखो भाई साहब, पूरा मेला वेला का सीन यहाँ तो लग रहा है दादा, ये तो पूरा लग रहा है, यहाँ मेला लगने वाला है भाई साहब। पूरा झूला उला का सेक्शन जितना होता है ना, वो सब पहुँच चुका है। हाँ जी गाइस, फाइनली अपन आप लोग को लेकर पहुँच चुके हैं गुड़ियाड़ी के गणेश झांकी के पास। मेरे पीछे देख रहे हैं ये है भाई साहब यहाँ का एंट्री सीन। तो जो भी डिटेल यहाँ का होगा सब कुछ आप लोग को वीडियो में ए टू जेड बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, राइट। तो फिलहाल वैसे आप लोग को थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखा रहे, तो कुछ ऐसा नज़र आता है। और ये होने वाला है भाई साहब अपना पंडाल। तो शुरू में आप लोगों को दिखाऊं क्या क्या नज़र आने वाला है। तो वहाँ बड़ा सा एक स्टैचू बनाया गया है हनुमान जी का, और उनके सामने भाई साहब श्री राम भगवान का एक छोटा सा मूर्ति है। कुल मिला के ये जो अपना पंडाल होने वाला है, इसका जो थीम है हनुमान लीला है। तो आपको जितना भी चीज़ इसके अंदर देखने को मिलेगा, वो सभी के सभी हनुमान लीला से संबंधित है, उनकी जीवनी आप लोग काइंड ऑफ मान सकते हो। बाकी जैसे आप लोग एंटर करोगे, तो ये देखो भाई साहब इतना प्यारा, इतना खूबसूरत आप लोग को लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ एक झांकी देखने को मिलेगा, और ये जो झांकी है भाई साहब, ये बनाया गया है अंजनी पुत्र केसरी नंदन बाल हनुमान का जन्म उत्सव मनाते हुए। जिस चीज़ के बारे में जो झांकी बनाया गया है ना, उसका एक छोटा सा कार्डबोर्ड ऊपर बनाया गया, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है लोगों को ये समझने के लिए कि आखिर जो झांकी है किस बारे में है और कौन सा सीन क्या दर्शाता है। जैसे कि यहाँ बाल हनुमान जी का आप लोग रूप देख रहे हो, यहाँ जन्म जो उत्सव होता है ना, जन्मोत्सव, वो मनाया जा रहा है। जस्ट इसके भाई साहब आगे बढ़ते हो तो यहाँ देखो कौन सा लीला दर्शाया गया है, बाल हनुमान द्वारा ऋषि मुनि की तपस्या भंग करते हुए। हमने भी काफ़ी सुना है कि जब हनुमान जी छोटे थे, बच्चे थे, तो ऋषि मुनियों को मतलब शरारती तो करते ही थे और तंग भी करते थे, तो ये जो सीन है ना वही दर्शाया गया है। और देखो कितना प्यारा दर्शाया गया। वैसे अभी इसमें और कुछ कुछ काम होना बचा हुआ है, जैसे कि सजावटी का होगा, शिवलिंग में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही, बट अभी का जो सीन है वो ये है। हनुमान जी देखो, एक जो ऋषि मुनि होते हैं उनका दाढ़ी देखो भाई साहब, इतना बड़ा दाढ़ी है और उसको खींचते हुए जा रहे हैं, तो बाल रूप में नटखट थे, वो सीन यहाँ दर्शाया गया है। और उसके बाद आप लोग पहुँचोगे भाई साहब यहाँ, और यहाँ देखो भाई साहब, भूख ना मिटने पर सूर्य को निगलते हुए, और देखो मुँह कितना बड़ा उधर खोले हैं। और ये जो सीन है ना भाई साहब, सूर्य को निगलते हुए सीन दिखाया गया है, तो मतलब एक से एक चीज़ आप लोगों को इस झांकी में देखने को मिलेगा। बाकी अगेन यहाँ देखो बाल रूप में दर्शाया गया है, और ये जो सीन है ये क्या कहता है इसके बारे में ऊपर से मालूम चल जाएगा। मतलब जो भी देवता लोग थे, जो भी ऋषिगण थे, उपद्रव से तंग हो गए थे ना, तो वो भाई साहब प्रार्थना कर रहे हैं
इंद्रदेव से, और वो सीन यहाँ कितना खूबसूरती से दर्शाया गया है, मतलब देखते ही बन रहा है। एक एक सीन में आप लोगों को मतलब बहुत ही नॉलेज भी मिलेगा और काफ़ी प्यारा लगेगा। वैसे ये जो मेरे को लग रहा है कार्डबोर्ड, इसमें शायद कुछ तो और इसमें होगा, अब क्या होगा पता नहीं, उसके लिए एक बार और शायद मैं बाद में विजिट करूँगा। और एक चीज़ आप लोगों को और दिखा दूँ, जितना आप लोग स्टैचू देख रहे हो ना, ये सब मतलब मूवमेंट करेगा, क्योंकि सबके पीछे ना वहाँ अगर ध्यान से देखते हो तो मोटर का वायर, किसी में रस्सी, मतलब सब कुछ लगाया गया है, तो सब ना मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट जब करेगा ना तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और मैं चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल पहली बार देख रहे हो ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये जो झांकी है ना मतलब नेक्स्ट लेवल झांकी है। और इसका वीडियो मैं दिखाऊँगा प्रॉपर सब कुछ चलते हुए, अभी तो मतलब सब कुछ सेट है, मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट भी होगा। बाय द वे आप लोग को आगे दिखा दूँ, इंद्र द्वारा बाल हनुमान पर प्रहार, ये जो सीन आप लोग देख रहे हो, भगवान इंद्र के द्वारा बाल हनुमान पर जब प्रहार किया गया था तब का सीन भाई साहब कुछ ऐसा यहाँ बनाया गया है। और जो भी मैं बात बता रहा हूँ, मैं ऊपर जो कार्डबोर्ड देख रहे हो ना वहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ। और इसके बाद देखिए ये कौन सा सीन है और ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है इंद्र के प्रहार से मूर्छित होकर गिरते हुए बाल हनुमान, यानी कि यहाँ आप लोगों को इंद्रदेव प्रहार किए थे और उसके बाद का जो सीन है ये दर्शाया जा रहा है जब ये हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, हवा में लटके हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। इधर आप लोग भगवान का अवतार देख सकते हैं और यहाँ ब्रह्मा जी का अवतार, और ये आप लोग को दिखा रहा था, ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये सब में मोटर फिट है, यानी कि सब स्वचलित होगा भाई साहब, ये सब में मूवमेंट होगा, तो बहुत ही बढ़िया ये सीन नज़र आने वाला है। बट चूँकि मेरे को और भी कहीं कहीं जाना था तो सोचा कि दिन पहले ही विजिट करूँ और आप लोगों को सभी चीज़ डिटेल में बता दूँ। वैसे ये सीन देखो, ये सीन कहता है हनुमान जी को अस्त्र शस्त्र प्रदान किया जा रहा है, ये वो वाला सीन है भाई साहब। और उसके बाद जस्ट इधर आओगे तो यहाँ आप लोगों को नज़र आएगा राम दरबार, और राम दरबार में देखो भाई साहब यहाँ पूरा राम जी, सीता जी, इधर हनुमान जी, लक्ष्मण जी, मतलब सभी चीज़ अच्छे से एकदम दर्शाया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक एक सीन को आप लोग नोटिस बस करते जाओ। और इसके बाद इधर आगे बढ़ते हो तो यहाँ भाई साहब हनुमान जी द्वारा भजन कीर्तन करते हुए सीन दर्शाया गया है। और यहाँ देखो एक बुक भी ओपन है और पीछे भाई साहब हनुमान जी का बरस एक प्रतिमा है। और ये देखिए यहाँ ढोल ढोल बजाते हुए, यहाँ गदा पकड़े हुए, ये सब जब मूवमेंट होगा ना बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं मतलब जब तक वीडियो बना रहा हूँ और इमेजिन ये कर रहा हूँ कि जितना यहाँ बनाया गया ना सीन वो सब जब मूवमेंट करेगा तो सोचो कितना बढ़िया लगेगा, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और यहाँ एक छोटा सा कॉर्नर पे हनुमान जी का स्टैचू बनाया गया है। और आप लोग फाइनली पहुँचोगे भाई साहब यहाँ, और ये हो गया फाइनल अपना डेस्टिनेशन इस झांकी का। और यहाँ भाई साहब देखो कितना बड़ा एक स्टैचू है हनुमान जी का, लगभग मेरे ख्याल से 15-16 फीट से ज़्यादा ही होगा। और सीना चीरते हुए इनका सीन नज़र आ रहा है, और सीने के अंदर भाई साहब विराजमान है भगवान श्री राम और सीता जी का दृश्य। और ये मेरे ख्याल से फाउंटेन का भी काम चलेगा इधर। और आप लोगों को इधर दिखा दूँ, इधर भी दो दो भगवान लोगों का स्टैचू बनाया गया है। अब भाई साहब गणपति जी भी पहुँच गए हैं तो थोड़ा हम भी नमन कर लेते हैं, जय गणपति जी। आप लोगों को पहले ही गणपति जी का दर्शन भी करा दे रहा हूँ और पूरा ओवरऑल सीन दिखाऊँ तो ऐसा कुछ नज़र आने वाला है। और वहाँ भाई साहब खड़े हैं शंकर जी, और इसके पीछे दिखाऊँ तो आप लोगों को वहाँ नज़र आ जाएगा स्काई झूला। और जब मैं ब्लॉग की शुरुआत किया था, मोटो ब्लॉग कर ही रहा था, तो आप लोगों को दिखाया था वहाँ और भी छोटे मोटे झूले थे। तो कुल मिला के मेला वाला का पूरा माहौल रहेगा, और यही था पूरा टोटल चंदन ब्लॉग। हाँ, तो कुल मिला के यही था आज का पूरा वीडियो गुढ़ियाड़ी पड़ाव का। जितना बड़ा झांकी में जो जो भी सीन दिखाए गए ना आप लोगों को डिटेल में ए टू जेड बता चुका हूँ। तो आई थिंक कि अब आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा इतना कुछ बताने के बाद। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मैं मिलूंगा फाइनली आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।